हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। दिवाली में मीठा खा खा कर अगर बोर हो चुके हो तो वड़ा पाव आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है 4 बड़े उबले आलू मैश करके, 200 ग्राम चने का आटा, धनिया बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता, 4 लहसुन की कलियां, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है मिर्ची और जीरा को दरदरा पीस के, राई, नमक, हल्दी और हींग। तो चलिए शुरू करते हैं वड़ा पाव बनाने की प्रोसीजर। सबसे पहले हम वड़ा बनाने के लिए जो मसाला यानी कि जो स्टफिंग लगती है वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने पैन में तेल गरम करके लिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग को अच्छे से मिला लेंगे तेल में। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई। राई को अच्छे से फूलने दीजिए। राई अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालते हैं। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता ऐसे हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ ताकि कड़ी पत्ता का जो टेस्ट है वो तेल में अच्छे से उतर जाए। मिला लेंगे इन्हें। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो हमने जीरा और मिर्ची को हमने जो दरदरा पीस के ले लिया था ना, वो हम अब इसमें तेल में डाल रहे हैं। तो इस मिक्सचर को हम अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे ताकि इसे एरोमेटिक होने तक। मिर्ची और जीरे का मिक्सचर तेल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। ये सभी प्रोसीजर करते वक्त मैंने गैस का फ्लेम स्लो रखा है। हल्दी को भी तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी तेल में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें बॉईल करके मैश किए हुए आलू डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मिर्ची पीस के नहीं डालनी है तो आप इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर ऐसे इस तरह से अगर हम मिर्ची और जीरा एक साथ पीस के डालेंगे ना तो वड़े का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और फिर से एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को भी मैंने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे स्लो फ्लेम पे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसका कवर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से स्टीम अच्छे से बाहर आ रही है। इसका मतलब हमारा मसाला जो है वड़े का मसाला जो है स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अब हम गैस बंद कर देंगे। ओके, अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी वड़े की स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और बैटर बना लेते हैं। वड़े का कवर बनाने के लिए हम जो बैटर बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि हमने जो वड़े की स्टफिंग बनाई है उसमें भी नमक है, तो हम आटे में नमक थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे।
आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर खाने का सोडा भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर सिर्फ चने का आटा यूज़ कर रही हूँ, बाकी कुछ यूज़ नहीं कर रही। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक थिक बैटर बना लेते हैं। एक बात का ध्यान है, बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। बैटर रेडी हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी से हमें बैटर चाहिए। ज़्यादा पतला बैटर वड़े को अच्छे से कवर नहीं करेगा, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमारा बैटर अभी रेडी हो चुका है और हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम वड़े बना लेंगे। स्टफिंग को मैंने थोड़ा सा ठंडा करके ले लिया है, अब हम इसके वड़े बनाते हैं। तो हम ये स्टफिंग इसे हाथ में ले लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से ले, आपको कैसा पसंद है छोटा बड़ा, तो इसे हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ओके, अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। बस ये हमारा पहला वड़ा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। हम इसे साइड में रख देती हूँ, एक और आपको करके बताती हूँ। स्टफिंग ले लेते हैं हाथ में, से दे देते राउंड शेप दे देते हैं और फिर हल्का सा प्रेस कर देते हैं। ओके, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम बाकी के स्टफिंग के भी वड़े बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने वड़े रेडी करके ले लिए हैं, अब हम इन्हें बैटर में डिप करेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने गरम करके ले लिया है, अब हम इसमें वड़े फ्राई करने वाले हैं। अब हम इसमें से एक वड़ा उठा लेते हैं, उसे बैटर में हम अच्छे से डीप करेंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे से कोट करके लेंगे बैटर में। मैं यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे उठाएंगे और तेल में छोड़ देते हैं और एक वड़ा ले लेते हैं, उसे भी हम बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों साइड से। उठा लेते हैं स्पून में इसे और अभी तेल में छोड़ देते हैं। वड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इनका कलर हल्का सा चेंज हो होने तक। पहले हम इन्हें एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें फ्लिप करेंगे। वड़े एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्लिप कर देते हैं। ओके, दूसरा वड़ा भी हम फ्लिप कर देते हैं, दूसरी साइड से भी हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वड़े जो है वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी प्रोसीजर से हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेते हैं। वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम चटनी बनाने वाले हैं। तो चटनी हम चूरा चटनी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले हम चूरा बना लेते हैं। तो जो हमने वड़े के कवर के लिए बैटर बनाया था ना, उसी बैटर से हम चूरा बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फोक की मदद से हम ऐसे बैटर फोक में लेंगे और ऐसे गरम तेल में ऐसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने स्लो ही रखा है अभी, बाद में हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो इस तरह से हम ऐसे ऑयल में ऐसे बैटर डालेंगे। तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं इसे अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक। चूरा जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप इसका कलर देख सकते हैं कि इसे सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेते हैं और थोड़ा हम चूरा फ्राई कर लेंगे ताकि चटनी ज़्यादा बन सके।
चूरा रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक मिक्सर के बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से ले, और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी यहाँ पर मैंने पीस के ले ली है, इसे मैंने पाउडर बिल्कुल नहीं किया है, इसे थोड़ा मैंने दरदरा ही रखा है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। तो हमारी चूरा चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत ही इजी है इसे बनाना। जो सामान हम वड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बस उसी सामान में ये बन जाती है, बिल्कुल ही टेस्टी होती है। तो अब हमारे वड़े तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, हमारे वड़े भी रेडी हो चुके हैं और चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें पाव के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश, गर्मा गर्म वड़ा पाव। ये डिश आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।